दोस्तों एक बहुत धमाकेदार खबर आपके सामने लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दांव में मोदी जी इस कदर फंस गए कि कभी भी खबर आ सकती है कि वो इस्तीफा दे दें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज अपनी इस खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी एक बार फिर से रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। वाराणसी सीट पर हो सकता उपचुनाव हो जाए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती अखिलेश और राहुल गांधी यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से दी गई, जिसमें फंस गए हैं मोदी जी। और अगर वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो सकती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी जो सांसदी है वो छिन सकती है। यानी सब तरफ से घिरे हुए हैं मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये तो आप ही को पता ही है कि प्रधानमंत्री इस देश के जो 10 बरस तक माहौल बनाती रही जिनके लिए मीडिया कि भाई वो महामानव हैं, उनके नाम की आंधी तूफान जलजला चलता है, भाई उन जैसा कोई नेता नहीं, जहां मोदी जी खड़े हो जाएं भीड़ बेतहाशा। इसी चुनाव में अखिलेश यादव की बदौलत कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता जिनका नाम है अजय राय, ऐसी हालत कर दी कि जीत के लिए हांफने लगे थे। सोचिए, 10 साल तक शासन करने के बाद और तमाम तरह की हवा बनाने के बावजूद मात्र 1,52,000 वोटों से मोदी जी जीत पाए थे। लेकिन हालत बहुत खराब है। वाराणसी के दौरे पर गए थे, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके एक नेता ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने दावा किया है कि जब मोदी जी वाराणसी में रोड शो निकाल रहे थे, ठीक उसी वक्त वाराणसी की ही जनता ने, जो दावा करती है बीजेपी की बहुत प्यार करती है मोदी जी से, किसी ने चप्पल फेंक दी। पहले आपको उस वीडियो का एक अंश दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, काफिला निकल रहा है और इस काफिले के दौरान आप देख सकते हैं एक चप्पल गिरती है और उसके बाद वहां जो सुरक्षाकर्मी है वो गाड़ी पर लटक कर उस चप्पल को हटाने की कोशिश करता है। ये दावा किसकी तरफ से किया गया? सुप्रिया श्रीनेता, हर कोई जानता होगा, कांग्रेस की नेता है। इन्होंने लिखा, वाराणसी से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां उनके खिलाफ भारी असंतोष है। सिर्फ 1.5 लाख जीत की मार्जिन इसका प्रमाण भी है। वो देश में सबसे कम अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनकी कार पर चप्पल फेंकना गलत है, इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के अंदर रोष और प्रतिकार को भी समझना होगा। बेबसी और बदहाली से उपजे इस गुस्से का समाधान करना काशी के सांसद का कर्तव्य है और यही लोकतंत्र की पहचान है। कुल मिलाकर मोदी जी जो कहते थे ना कि ना मैं आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, भाई मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, वो सारे डायलॉग धरे के धरे रह गए। सबने देखा 4 जून को जब काउंटिंग हो रही थी, वक्त एक ऐसा भी आया जब ट्रेल कर गए थे, यानी कि पिछड़ गए थे 5,50,000 वोटों से। अजय राय आगे आ गए थे, जानते हैं। यही नहीं, मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी, उस तस्वीर में मैंने आपको दिखाया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन करने पहुंचे थे तो तमाम सहयोगियों को लेकर, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, समर्थक लेकर आना, ये वो, और उसमें सिर्फ 5 लाख लोगों की जनता को, मतलब भीड़ को जुटा पाए, जिसमें से वाराणसी से बाहर के ज्यादातर लोग थे। लेकिन जब 25 मई को प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, ये दोनों नेत्री पहुंची थी, यानी प्रियंका गांधी के साथ डिंपल भाभी भी पहुंची, उस वक्त भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। 15 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। इतनी बेतहाशा भीड़ ने बीजेपी के रोंगटे खड़े कर दिए थे, होश उड़ा दिए थे। साफ समझ में आ गया था कि वाराणसी में होने क्या जा रहा है। ये तमाम चीजें हुई और अब हालत क्या है, वाराणसी की जनता ने अपना गुस्सा निकाल ही दिया। मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीते, और अब उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि जब रोड शो निकला मोदी जी का जीतने के बाद वाराणसी पहुंचे, उसी दौरान किसी ने चप्पल फेंक दी। लेकिन अब खबर क्या है, खबर देखिए। ये खबर है एबीपी न्यूज ने छापी, अजय राय है, यही कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे मोदी जी के खिलाफ। लिखते हैं, अजय राय ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी चुनौती, पीएम मोदी वाराणसी सीट छोड़कर फिर चुनाव लड़े और जीत कर दिखा दें, अगर जीत गए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। जैसे ही ये चुनौती दी गई वैसे ही बीजेपी में हड़कंप मच गया है कि मतलब समझ के चलिए, बड़ी मुश्किल से तो 1.5 लाख वोटों से खिसक खिसक कर जीते। मैं अब भी कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के नेता भी मानेंगे जो मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, आप समर्थक हैं, राहुल गांधी के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, किसी के समर्थक हों, ये हर कोई जानता है कि वाराणसी सीट पर मोदी जी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाए, इसमें सिर्फ कांग्रेस की देन नहीं है, सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की जड़ें वाराणसी सीट पर सबसे मजबूत है, जिसकी बदौलत मोदी जी माहौल क्रिएट कर रहे थे। यानी सुभाषपा के कई बड़े नेता टूट कर आ गए थे और अलग पार्टी बनाकर अखिलेश यादव को सपोर्ट किया। राजभर समाज का भी वोट वाराणसी में अच्छा खासा है। ऐसे में
पूरी फील्डिंग तकरीबन एक डेढ़ साल से चल रही थी, जब से मैनपुरी चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उससे बाद से ही लगातार शिवपाल सिंह यादव वाराणसी पहुंच रहे थे, अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे थे। और ये अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव की मेहनत ही है कि बाबा ने लाख कोशिश कर ली, योगी आदित्यनाथ ने लाख कोशिश कर ली कि इस बार इतिहास रच दिया जाए। 400 पार छोड़िए, बीजेपी 240 पर अटक गई, मोदी जी हारते हारते बच गए। एक एक सीट का मैं बता सकता हूं पूरा। संजीव बालियान किससे हारे? सपा प्रत्याशी से, ठीक है। अमेठी में स्मृति आ रही, ईरानी आ रही कांग्रेस के, लेकिन अमेठी में भी सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का कई विधानसभा क्षेत्रों पर अच्छा खासा रसूख है। मैं ये नहीं कह रहा कि सपा का केवल, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी ने अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी केएल शर्मा की राह को बहुत आसान कर दिया था, यार कोई जानता है। लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ कि इसके प्रत्याशी से हारे, इस सबने देखा है। लखीमपुर खीरी में भी अजय मिश्र टेनी जो भाई गृह राज्य मंत्री रहे, अब तो नहीं है बेचारे, हार गए, कैबिनेट से बाहर फेंकवा दिया उनको, लेकिन हारे किससे? सपा प्रत्याशी से। तो कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव की मौजूदगी ने पूरी तरह से नींद उड़ा कर रख दी, खासकर बीजेपी की। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है समाजवादी पार्टी, और ये रातों रात नहीं हुआ कि अचानक से अखिलेश यादव आए और बोल, नहीं, ये बहुत दिनों की मेहनत थी अखिलेश यादव की और शिवपाल सिंह यादव की, यानी चाचा भतीजे ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया। अब हालत क्या है, जो खबर मेन है, खबर ये है भाई कि अजय राय जो है वो डंके की चोट पर चुनौती दे रहे हैं कि आओ। अब मोदी जी परेशान है और बीजेपी के उनके अपने शुभचिंतक परेशान है, करें क्या, हम करें क्या भाई? अगर मोदी जी चुनाव दोबारा लड़ते हैं तो जिस तरह के हालात अभी बनकर चुके हैं, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना, यानी सांसद ही चली जाएगी। और अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो अंदर खाने जो मोदी शाह को बीजेपी के नेता पसंद नहीं करते हैं, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, कम से कम कांग्रेस को आईना दिखाना चाहिए, कांग्रेस ने आपके दिग्गज नेताओं को हरा दिया, स्मृति ईरानी को हरा दिया, आप हारते हारते बचे, ऐसे में भाई आगे आकर करना चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूं अगर ये गठबंधन टूट गया, कौन सा वाला, अखिलेश यादव वाला और कांग्रेस वाला, तो बड़ा आसान हो जाएगा मोदी के लिए चुनाव जीतना, बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन उनको मालूम है जब तक कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन है, तब तक मोदी जी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते, मतलब इधर कुआं इधर खाई। मतलब अगर स्वीकार करते हैं तो भी सांसद ही जाएगी, अगर नहीं भी स्वीकार करते हैं तो बगावत हो रही है अंदर, अंदर खाने कहा जा रहा है कि भैया बदला लेना होगा, तमाम चीजें चल रही हैं। यानी अखिलेश यादव ने ऐसा फंसा दिया है ना, 37 सीटें जीतने के बाद अब डर लगने लगा है कि किसी उत्तर प्रदेश की किसी एक भी सीट पर गलती से उपचुनाव ना हो। अगर उपचुनाव हुआ ना भैया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव जीतना, 33 सीटों से सिमट कर हर एक सीट पर हार मुमकिन हो जाएगी। बड़े बड़े भलभोले नेताओं की बोलती बंद हो गई है, उन नेताओं की भी जो लगातार संवैधानिक पद पर बैठकर एक समुदाय विशेष की गर्मी खत्म करने का ऐलान करते थे, सबकी गर्मी को अखिलेश यादव ने बड़े सलीके से खत्म किया है, ठंडा किया है। नमस्कार।